वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर. प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के क्यूब के. ध्यान देना कि एडियाबेटिक प्रोसेस है. इसका मतलब ये हुआ सम कांस्टेंट के टी की पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि पी टी की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब मुझे एडियाबेटिक प्रेशर में गामा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे एडियाबेटिक का इक्वेशन लिखना पड़ेगा. एडियाबेटिक का इक्वेशन लिखूंगा तो ये तो होता है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मुझे इसको इसके टर्म में लिखना पड़ेगा, इसको इसके जैसा लिखना पड़ेगा. मतलब प्रेस वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम को हटाने के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है. तो पी और वॉल्यूम एन आर टी अपॉन पी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बाकी सारे कॉन्स्टेंट ही हैं, तो जब बाकी सारे कॉन्स्टेंट हैं तो पी वन माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अभी भी इसके जैसा नहीं हुआ, तो इसको इसके जैसा लिखने के लिए पी वन माइनस गामा एक मिनट, यहाँ से मैं इसके जैसा लिख लूँ तो वन माइनस गामा को हटाऊँगा, तो पी और टी गामा वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, ऐसा कुछ. अब इन दोनों में बड़े आराम से कंपैरिजन हो जाएगा, इसके में इसमें इन दोनों में. तो वन माइन गामा वन माइनस गामा की वैल्यू माइनस 3 आ गई, तो गामा वन माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस 3 बाई कंपेरिजन. तो गामा इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 3 गामा, तो यह जाएगा माइनस 2, मतलब गामा इज इक्वल टू 3 बाई 2, मतलब बी ऑप्शन सही है. गामा इज इक्वल टू 3 बाई 2 मतलब हम लोग का बी ऑप्शन सही है. चलो,